भारतीय रेलवे हादसों पर लगाम लगाने के लिए टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहा है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे हादसे हुए हैं जब एक ही पटरी पर एक साथ दो ट्रेनें आ गईं। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे हादसे टाले जा सकेंगे। अगर एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ भी गई तो उनके बीच टक्कर नहीं हो पाएगी। एक स्पेशल डिवाइस से यह नामुमकिन काम मुमकिन हो पाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने रेल हादसों को रोकने के लिए एक खास डिवाइस तैयार की है। इस खास डिवाइस के ट्रेन में लगने के बाद एक पटरी पर दो ट्रेनों के आने से कुछ दूर पहले ही ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। इसके लिए ट्रेनों के इंजन में ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि TCAS डिवाइस लगाया जाएगा। इस स्पेशल डिवाइस को लगाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने खाका खींच लिया है। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही ट्रेनों के इंजन में यह डिवाइस लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आखिर यह डिवाइस काम कैसे करेगा? इस डिवाइस को इंजन में लगाने से पहले रेलवे स्टेशनों और रेल ट्रैक के किनारे जगह जगह टावर लगाए जाएंगे। यह डिवाइस अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। इस डिवाइस के जरिए लोको पायलट को जरूरी सूचना मिलेगी। डिवाइस से लैस ट्रेन में एक ही पटरी पर टक्कर को रोका जा सकेगा। अगर एक पटरी पर दो ट्रेनें आ गई या ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के तहत दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन चल रही है तो टक्कर नहीं होगी। TCAS डिवाइस से लैस ट्रेन में उचित दूरी पर ब्रेक लग जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने लखनऊ के RDSO में सफल परीक्षण के बाद इस डिवाइस को ट्रेनों के इंजन में लगाने का निर्णय लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।